राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज जनकपुरी के वीरेंद्र नगर में स्थित शिव शक्ति मंदिर के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनकपुरी विधानसभा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव मेंबर हरबानी कौर भी उपस्थित हुई और अपना योगदान दिया। इस यात्रा में तमाम क्षेत्रवासी भी उपस्थित हुए और बहुत ही धूमधाम से भगवान श्री राम के जयकारों के साथ यात्रा को निकाला। इस यात्रा में जनकपुरी शिवनगर के फेडरेशन के अध्यक्ष लवली कोहली और संजय सिंह के साथ हरबानी कौर और अन्य लोगों ने मिलकर इस यात्रा को सफल बनाया। नमस्कार, मैं हरबानी कौर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने सब काम मर्यादा में रह के किए हैं और ये हमारे देश का गौरव और सम्मान है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को के बगैर हर चीज़ अधूरी है, हर अभाव अधूरा है उनके बगैर जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लौटने के 500 वर्ष के बाद ये उत्सव मनाया जा रहा है जी। और आपको पता है हमारे देश को विश्व गुरु भी कहा जाता है जी। क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न क्या है? इसका सत्य ये है क्योंकि हम राम से जुड़े हुए हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनको विश्व गुरु कहा जाता है जी। हरबानी जी, आप पॉलिटिक्स से हैं, राजनीति से सवाल करूंगा। कांग्रेस पार्टी इस रामलला के आने की खुशी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, वो कोई प्रोग्राम नहीं कर रही, ऐसा क्यों? मेरी पार्टी अगर कांग्रेस नहीं गई अयोध्या पे तो मैं भी नहीं गई, मैं भी इस समारोह में जुड़ी हुई हूँ। राम जितने किसी दूसरी पार्टी के हैं उतने ही हमारे हैं, इसमें कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रश्न ही व्यर्थ है, अगर हम इस प्रश्न को लेके आते हैं ये बिल्कुल व्यर्थ प्रश्न है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया? मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं सबकी बहुत ज्यादा इस प्रोत्साहन में बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन करती हूँ सबका, और सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं यहाँ की फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे महामंत्री पहले बोल रहे थे, ये आज की यात्रा है शिव शक्ति मंदिर ने बड़ी धूमधाम से निकाली है। शिव शक्ति मंदिर के पंडित जी देवकी नंदन जी हमारे साथ हैं। आज श्री राम शोभा यात्रा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में कुछ ऐसे अनन्य भक्त हैं, हमने तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा। आज पूरा देश राजा रामचंद्र जी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्सव मना रहा है। जय श्री राम।